हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 के थर्ड क्वेश्चन तक जो है वो किया था हमारे लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 3 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन से और कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है कि एबीसीडी जो है वो ट्रेपेजियम है। एबीसीडी हमें फिगर जो है वो गिवन है, जो कि ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, ओके। बी डी जो है एक लाइन है, सॉरी बी डी इज अ डायगोनल, बी डी एक डायगोनल है, ये डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, जिसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट है, ओके। लाइन ए लाइन अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, ओके। तो ए जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है थ्रू ई टू पैरेलल ए बी के, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को एफ पे। तो हमें शो करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी के पैरेलल एक लाइन है सी डी या डी सी, ओके, डी सी। और इसमें दे रखा है गिवन हमें कि ए डी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। अब एक डायगोनल यहाँ पे हमें दे रखा है, डायगोनल बी डी, ओके। तो ये लाइन जो है ई एफ ये पास थ्रू हो रही है और क्या कर रही है कि इस डायगोनल को भी कट कर रही है और बीसी को भी कट कर रही है एफ पॉइंट पे, ओके। तो डायगोनल को जो कट कर रही है वो तो हमने लिया है, ओके, वो हमें दे नहीं रखा है। तो डायगोनल को जो कट कर रही है वो हमने जी पॉइंट यहाँ पे लिया है, लेकिन एफ को जो वो कट कर रही है, सॉरी बीसी लाइन को कट कर रही है, तो एफ जो है हमें पॉइंट दे रखा है कि वहां पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, जैसे एडी का मिड पॉइंट ई है, ओके, ऐसे ही बीसी का मिड पॉइंट एफ है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, तो गिवन में ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये फर्स्ट चीज हो गई। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ओके। बी डी जो है वो डायगोनल है और बी डी इज अ डायगोनल, डायगोनल बी डी एक डायगोनल है। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओके। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। अब इतनी सब चीजें जो है वो हमें गिवन दे रखी है, अब हमें प्रूफ जो है वो एक ही चीज करनी है। शो दैट लिखा है इसलिए टू प्रूफ क्या करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, इसी की तरह, ओके, जैसे ई मिड पॉइंट है ए डी का, ऐसे एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ये हमें प्रूव करना। तो ले लेते हैं प्रूफ, ओके, प्रूव करते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हमें ये बताना है कि ये सी एफ इज इक्वल्स टू बी एफ है, यानी एफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि एक ये पहले तो जी बी हमें दे नहीं रखा है कि मिड पॉइंट, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव ही करना है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है ये एक्सरसाइज, तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम से हमें करना है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ओके। और हम क्या बता सकते हैं, ये अगर इसके पैरेलल है जो कि हमें दे ही रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हमें पता लग जाए कि ये जो है वो मिड पॉइंट है, तो हमें मिड पॉइंट से हम ये बता मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये बता सकते हैं कि एफ जो है वो भी मिड पॉइंट है बी सी पे, ओके। तो सबसे पहले हमें जी को जो है वो बताना पड़ेगा कि वो मिड पॉइंट है। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, ओके, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में क्या है हमारे पास कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, वो तो हमें दे ही रखा है, गिवन है, ओके, इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या दे रखा है, हमें बोला गया कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी, तो ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी या सी डी के, ओके। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर देखा जाए तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ए बी इज पैरेलल टू ई जी, ओके, ये भी हमें गिवन है। और इधर लिखा भी है कि ए इज लाइन ए पैरेलल टू ए बी, तो ई जो लाइन जो फॉर्म कर रही है, ई एफ जो लाइन फॉर्म कर रही है,
तो वो पैरेलल है ए बी के भी, तो ये भी हमें गिवन है कि ई एफ या फिर ई जी की हमें जरूरत है, ओके ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ओके। तो एक चीज हमें ये दे रखी है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ये गिवन है, और ये भी गिवन है कि ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ओके। तो अब हमें थर्ड पॉइंट क्या नहीं दे रखा है, तो वो हम मिड पॉइंट थ्योरम से वो बता देंगे। तो क्या है कि जी जो है वो मिड पॉइंट है बीडी का, ओके। तो जी हेंस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बीडी बीडी, ओके। तो दो चीज हमें गिवन थी और थर्ड चीज जो है हमने प्रूव कर दी किससे, सिंस मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में घूम रही होगी कि हमें तो मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसा बताया गया था कि जो लाइन जो है जो हमें मिलेगी दो साइड्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन होके जो लाइन मिलेगी वो थर्ड साइड के जो है वो इक्वल होगी, ओके। तो ये साइड इसके इक्वल, ओके, हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो हमें क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि ये पैरेलल है, ये भी दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। तो हमने दो चीज के हेल्प से जो है वो थर्ड चीज जो है वो प्रूव कर ली कि ई तो मिड पॉइंट है ही, ए बी जो है वो ई जी के पैरेलल तो है ही, लेकिन जी जो है ये क्या है मिड पॉइंट है बीडी का, ये हमने प्रूव कर लिया, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से, ओके। तो कभी भी अगर ऐसा बोला जाए कि आपको दो मिड पॉइंट्स तो दे रखे हैं और प्रूव करना है कि थर्ड साइड जो है उसके पैरेलल है, ओके, तो ये तो हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा बोला जाए कि एक मिड पॉइंट जो है, एक मिड पॉइंट आपको दे रखा है फर्स्ट साइड का और एक चीज आपको ये दे रखी है कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो थर्ड चीज आपको प्रूव करनी है कि ये जो है वो मिड पॉइंट है। तो इस तरह से भी आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जी जो है वो मिड पॉइंट हो गया बीडी का, तो ये तो हमें मिल गया, ओके। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको भी मिड पॉइंट बता देंगे। तो कैसे, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा है, ट्राइंगल बीसीडी। तो आप ले लेते हैं इन ट्राइंगल बीसीडी। अब बीसीडी ट्राइंगल में आपको गिवन तो ये तो दे ही रखा है कि जी इज द मिड पॉइंट, ओके। तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ये हमने पहले प्रूव ही कर लिया, देखो यहाँ पे, ओके, ये प्रूव कर लिया, तो ये यहाँ पे लिख दिया जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि इस ट्राइंगल में आ ही रहा है, ओके। और एक चीज क्या दे रखी है कि ई एफ जो है वो पैरेलल था ए बी के, ओके, और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। अब क्योंकि ये ई एफ पूरी लाइन जो है वो पैरेलल है, तो उसका पार्ट जो है वो भी सी डी के पैरेलल होगा, तो ये जो है उसमें भी हमने यही यूज किया था, इतना ही पार्ट इसके पैरेलल था, ओके। तो इसमें भी इतना ही पार्ट हम ले लेंगे, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो लाइन का छोटा सा पार्ट भी जो है वो सामने जो साइड है उसके पैरेलल होगा, तो एफ जी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ओके। ये हमने यहाँ पे थोड़ा तो किसके सी डी, सी डी इज पैरेलल टू एफ जी, ओके। अब दो चीज तो हमें दे रखी है, अब ये एफ जी का हमें दे नहीं रखा था, लेकिन जो है वो हमने ये निकाला है, हमने सोचा है इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद जो है ये निकाला है कि एफ जी जो है वो भी पैरेलल होगा सी डी, ओके, ये दे नहीं रखा था। तो जाहिर सी बात है कि ई एफ जो है वो लाइन पैरेलल है इसके, इसका छोटा सा पार्ट आप कुछ भी ले लो, इतना ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी पार्ट जो है इसके पैरेलल ही होगा, ओके। तो इस तरह से हमने इसको बता दिया कि ये इसके पैरेलल। अब थर्ड चीज जो है हमें क्या नहीं दे रखी है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, अब देख ही नहीं, ये दे क्या नहीं रखा, ये नहीं दे रखा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एफ जो है वो हो जाएगा के एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बीसी, बीसी इधर लिख लेंगे हेंस, ओके। ये कैसे हुआ, तो मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से, ओके। तो यही हमें प्रूव करना था कि एफ जो है वो हमें बताना है कि मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ओके। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, इसका टेक्निक मेथड जो है वो समझ में भी आया होगा, ओके। तो इसमें जो है वो थोड़ा लेंथी था सॉल्यूशन, तो हमने जो है वो थोड़ा सोच के विचार के थोड़ा देख के इसके सॉल्यूशन कुछ अलग अलग मेथड से निकाल के इसको जो है वो छोटा कर दिया आपके लिए, ओके। तो
क्या है कि हमें पता है कि आप लोग जो है वो डर जाते हैं बड़े बड़े सॉल्यूशन देख के, तो इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया है, जो कि दो ट्राइंगल्स ले लिए और दोनों ट्राइंगल्स को खाली बता दिया, खाली उसको प्रूव कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें दे रखा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है जिसमें हमें क्या दे रखा है कि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी के और सी डी के, और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और एफ जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, ओके रिस्पेक्टिवली। और शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। हमें शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ए एफ और ई सी वो क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बी डी, डायगोनल बी डी को। ओके, अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए बाइसेक्ट हमने पढ़ा है कि बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, तो यानी हमें बताना है कि डीपी जो है वो इक्वल है पीक्यू के और वो भी इक्वल है क्यूबी के। ओके, तो डीपी इक्वल्स टू पीक्यू इक्वल्स टू क्यूबी, ये हमें प्रूव करना। तो गिवन मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, गिवन आप जो है वो खुद लिख लीजिएगा क्या क्या है क्वेश्चन में से लिखना है। ABCD is a parallelogram, E is the midpoint of AB, F is the midpoint of CD, ये इसमें आएगा। ओके, गिवन में टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में हमें प्रूव करना है, ये मैं लिखवा देता हूँ, DP equals to PQ, DP equals to PQ equals to QB, ओके, ये हमें प्रूव करना। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रूफ में अगर हमें इसे बताना है तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो एबीसीडी क्योंकि हमें बोल रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ओके, तो इधर लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी। ओके, ये हमें गिवन है क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। अच्छा, अब इसका हाफ कर देते हैं, अगर हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी तो ये भी इक्वल ही होंगे, तो ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो उसका ए बी का हाफ पार्ट सी डी के हाफ पार्ट से जो है वो इक्वल होगा। ओके, तो ये हो गया। अब ए बी का हाफ पार्ट क्या है, ए बी का हाफ पार्ट अगर हम ले लें ए ई, ओके, और सी डी का हाफ पार्ट सी एफ, तो ये हम ले लेते हैं, तो ए बी हाफ ऑफ ए बी की जगह हम लिख लेते हैं ए ई इक्वल्स टू सी एफ। ओके, ए ई सी एफ, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, अब ये क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, इन ए ए ई सी एफ, इन ए ई सी एफ, ए ई सी एफ में क्या हो सकता है, तो ए ई सी एफ में हमने अभी प्रूव किया कि ए ई इक्वल्स टू सी एफ है। ओके, कि ए ई इक्वल्स टू सी एफ है ही, तो ए ई जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी एफ के, क्योंकि जो है वो ऑपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम में क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, और इक्वल भी होती है। अब क्योंकि ऑपोजिट साइड जो पैरेलल है इसलिए हमने ये यूज किया है, ए इज पैरेलल टू सी एफ, तो इससे क्या हो गया कि हेंस, ओके, कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब ये प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम, लेकिन हमें यही प्रूव नहीं करना, हमें आगे जो है ये बताना है कि ये तीनों पार्ट जो है वो इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने ये प्रूव किया, अब ये क्यों प्रूव किया, तो ये कुछ मतलब से हमने प्रूव किया होगा। ओके, तो ये अभी मतलब जो है अभी निकलेगा। तो क्या है, तो हम इधर ले लेते हैं एक ट्राइंगल, ये ओके, ट्राइंगल डी सी क्यू, इन ट्राइंगल डी सी क्यू। अब आप देख सकते हो कि डी सी क्यू में अगर हम पहले ही हम क्या करते, अगर प्रूफ करने की कोशिश करते तो क्या होता, हमें ये जो है साइड हमें नहीं मिलती। ओके, तो ये साइड अभी किसकी वजह से मिली है, तो ये हमने अभी प्रूव किया है, जो ए इज पैरेलल टू सी एफ, ए सी एफ जो है वो पैरेललोग्राम है, तो ये इसमें जो है वो क्या होगा, ये इसमें यूज में आएगा, ये हेल्प करेगा आपको इस ट्राइंगल को बताने में। ओके, तो अब इन ट्राइंगल डीसीक्यू में क्या है कि आपका एफ जो है वो मिड पॉइंट है डीसी का। ओके, और पी एफ जो है वो पैरेलल है सी क्यू के। तो ये कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि F is the midpoint of CD, F is the midpoint of CD, okay, F is the midpoint of CD
और नेक्स्ट पीएफ इज पैरेलल टू सीक्यू, ओके नेक्स्ट है पीएफ इज पैरेलल टू सीक्यू। तो थर्ड हमारा जो है क्राइटेरिया क्या, हम लोग इसमें प्रूव कर देंगे कि ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये जो है इस साइड का ये मिड पॉइंट, इससे मिड पॉइंट थ्योरम से। देयरफॉर देयरफॉर डी पी इक्वल्स टू पी क्यू, देयरफॉर क्या लिखेंगे, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ डी पी, सॉरी डी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ओके कैसे, तो सिंस मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पे यूज करते, मिड पॉइंट थ्योरम, ओके मिड पॉइंट थ्योरम से। अब P जो है वो मिड पॉइंट हो गया डी क्यू का, तो डी पी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया। ओके डी पी देयरफॉर डी पी इक्वल्स टू पी क्यू, इसे लिख लेंगे इक्वेशन वन। ओके कि एक चीज तो हमारे पास प्रूव हो गई कि इतना पार्ट इतने पार्ट से इक्वल है। अब नेक्स्ट हमें करना है ये पार्ट बच गया, अब ये पार्ट को भी इसके इक्वल बताना है। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला ए पी बी, ए पी बी इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी। ओके ए पी बी में हम देख सकते हैं हमें गिवन है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ओके तो फर्स्ट चीज ये लिख लेते हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अब ये जो है वो इसके पैरेलल है कि ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ओके ये हमें पूरा हमने पैरेललोग्राम जो है वो क्या किया है, प्रूव कर दिया है। अब ये उसी की हेल्प से जो है ये सब पार्ट्स भी जो है वो हम प्रूव कर पा रहे हैं कि हमने पूरा पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम है, तो उसके जो है वो ऑपोजिट साइड्स और ये सब भी जो है वो जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी पैरेलल है। ओके तो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। तो नाउ अब नेक्स्ट जो थर्ड हमें जो क्या प्रूव करना था कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी क्यू का, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। ओके ये कहां से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूव किया। मिड पॉइंट थ्योरम आपको इधर लिखना है, ओके वो बड़ा हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो बड़ा है लाइन, पहले तो टाइम जाएगा इसमें। ओके इसलिए मैं खाली इधर यही लिख रहा हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव कर दिया है, लेकिन आपको इधर मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखना पड़ेगा जो भी उसकी स्टेटमेंट है। ओके अब क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ हो गया बी क्यू। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, तो देयरफॉर बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। ओके ये हो गया इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ओके अब देख सकते हैं बी पी इक्वल्स टू पी क्यू, बी पी इक्वल्स टू पी क्यू, बी क्यू आएगा इधर, बी पी नहीं आएगा, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। ओके तो बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू और डी पी इक्वल्स टू पी क्यू। ओके तो पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, राइट एंड इसका आर एच एस जो है वो इक्वल है, तो एल एच एस भी जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर इधर लिख लेंगे हेंस डी पी इक्वल्स टू बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। ओके तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था कि ये तीनों पार्ट्स जो है ये जो ट्राइसेक्ट कर रहा है डायगोनल को, ये जो दो लाइन सेगमेंट आप उसके जो ये तीनों पार्ट्स जो है वो इक्वल हो गए कि डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। देखिए यहाँ पे यही प्रूव करना था और ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। ओके तो इसमें भी हमने जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो दो ट्राइंगल्स लिए थे, दो ट्राइंगल्स की मदद से जो है वो दो ट्राइंगल्स को मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से जो है वो प्रूव कर दिया और उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को प्रूव कर दिया। ओके तो प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, ओके लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें दे रखा है कि एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है सी पे। ओके तो ये जो है वो 90 डिग्री है। ओके तो ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, एक लाइन है थ्रू द मिड पॉइंट ए एम, तो मिड पॉइंट हमें दे रखा है, ये मिड पॉइंट है, वहां से उसके थ्रू जो है वो हाइपोटेन्यूज पे पड़ रही है। ओके
एबी पे, ओके, तो एबी पे एक मिड पॉइंट है एम जो कि उसके राइट एंगल के थ्रू जो है वो उसको कट कर रही है, ओके, हाइपोटेन्यूज एबी पे, और पैरेलल हो रही है किसके, बीसी के, ओके, जो ये, और पैरेलल हो रही है बीसी के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, और उसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एसी को डी पे, और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये डी पॉइंट, ओके, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम लाइन नाम दे देंगे डी। तो ये हमें, ये जो फिगर है वो गिवन नहीं है, ये हमने खुद जो है वो बनानी है, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जहां पे ए बी सी है, जिसपे सी जो है सी पे राइट एंगल है, और एक जो ए बी है उसका मिड पॉइंट है एम, ओके, एम से एक लाइन जो है वो जा रही है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एसी को, ओके, अब एसी को जो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया है डी, ओके, और डीएम जो है वो पैरेलल है बीसी के, और जो एम है मिड पॉइंट वो मतलब ज्वाइन कर रहा है एंगल सी का, जो एंगल सी जो है उसको ज्वाइन कर रहा है, यानी एंगल सी जो है, यानी सी जो है वो ज्वाइन कर रहा है एम को, ओके, इस तरह का हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन आप लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे जो है वो राइट एंगल है यानी एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, ओके, और डी एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, इस तरह से। तो फर्स्ट चीज जो हमें प्रूव करनी है, तो गिवन आप लोग लिख दीजिए प्रूव टू प्रूव, तो टू प्रूव में हमें तीनों चीज दे रखी है, तो तीनों चीज आप लोग लिख दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके, ये तीन चीज प्रूव करनी है। तो प्रूफ में हम ले लेते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट थिंग है वो हम लोग ले लेते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ये हमें प्रूव करना है, ओके, तो कैसे लेंगे हम लोग, तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में आप देख सकते हैं ए बी सी ट्राइंगल में डी एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, ये हमें गिवन है, और पहले तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, लिख लेते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सेकंड जो है वो हम लिख लेते हैं कि डी एम इज पैरेलल टू बी सी, डी एम इज पैरेलल टू बी सी, ओके। थर्ड चीज डी जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमें बताना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो इंटरसेक्ट यानी उसको काट रहा है, और बाइसेक्ट का मतलब है उसको बांट रहा है, काट रहा है और बांट रहा है, काटना मतलब होता है कि उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, अब पता नहीं है कि कितने पार्ट्स, ओके, बाइसेक्ट का मतलब है उसको बांट रहा है दो इक्वल पार्ट्स, ओके, तो ये हो गया, तो ये हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को। तो D क्या हो जाएगा, तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम देखें कि ये इसके पैरेलल है, ओके, और ये ट्राइंगल है, तो ये साइड जो है वो हमें बतानी है, तो ये तो हमें मिल चुका है कि ये दोनों जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ओके, तो मिड पॉइंट में ये हमें बता देना है कि ये मिड पॉइंट है किसका, AC का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, तो ये हम लोग बता देते हैं कि देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो कैसे, सिंस मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से ये सिद्ध हो गया कि ये जो है डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड, तो सेकंड में हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि एम डी जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है ए सी के, एम डी ये है, ये परपेंडिकुलर है AC पे, ओके, यानी 90 डिग्री आपको एंगल आपको बताना है कि ये ADM जो है वो 90 डिग्री है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ACB, एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री है, ओके, तो एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ADM, ADM इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये कैसे कि एंगल ACB एंगल ADM के इक्वल आ गया, तो कैसे, तो आप देख सकते हो कि करेस्पोंडिंग एंगल से, ओके, करेस्पोंडिंग एंगल आपको पता होगा कि F जो रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल है, तो करेस्पोंडिंग एंगल है, ओके, तो इसलिए ये दोनों इक्वल है, तो इधर आप लिख दोगे कि करेस्पोंडिंग एंगल्स, करेस्पोंडिंग
एंगल्स, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो देयरफॉर एंगल ए डी एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है इसलिए एम डी जो है वो क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है किस पे, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, तो सेकेंड पॉइंट भी जो हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम ये, ए एम ये, और हाफ ऑफ ए बी यानी ए एम ही है। ओके, यानी ए एम जो है वो क्या है, वो आधा पार्ट है किसका, ए बी का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, और बाय सीपीसीटी से जो है जो हमें प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए एम डी और सी एम डी, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ए एम डी और सी एम डी ट्राइंगल में क्या है, तो फर्स्ट तो डी डी एम इक्वल्स टू डी एम, डी एम इक्वल्स टू डी एम क्या है, ये कॉमन है, कॉमन साइड। ओके, ये कॉमन साइड है। सेकंड, सेकंड क्या बता सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया है। ओके, यानी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल सी डी एम और ए डी एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए डी एम इक्वल्स टू सी डी एम, एंगल सी डी एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, थर्ड, थर्ड क्या बता सकते हैं, तो थर्ड में है आपका ए डी इक्वल्स टू सी डी, ये हमने पहले प्रूव कर दिया है फर्स्ट में। ओके, तो ए डी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू सी डी। ओके, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव ये लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। ओके, तो ट्राइंगल दोनों जो है वो तीन क्राइटेरिया इसके जो है वो मैच कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी। ओके, कैसे, तो बाय आर एच एस आप लोग लिख सकते हैं। ओके, आर एच एस क्राइटेरिया है, ऐसे है, तो बाय आर एच एस रूल, तो आर एच एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें ये प्रूव नहीं करना है। ओके, ये तो हमने आर एच एस से दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया, हमें प्रूव क्या करना है कि ए एम इक्वल्स टू सी एम बताना है। ओके, तो बाय सीपीसीटी बता देते हैं, तो ए एम देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू सी एम, ये बाय सी पी सी टी। ओके, बाय सी पी सी टी से ये दोनों प्रूव हो गए। अब इतना ही नहीं बताना है, और भी हमें कुछ बताना है कि ए एम जो है वो हमें दे रखा है कि हाफ ऑफ ए बी है, तो ए एम, ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये क्या है, गिवन दे रखा है कि ए एम जो है वो हाफ है ए बी का, तो देयरफॉर सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ, तो यहाँ पे ए बी आएगा, ए बी। ओके, तो हाफ ऑफ ए बी, ए बी हो गया। ओके, तो देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यही हमें प्रूव करना था, तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, तो ये तीन पॉइंट जो है वो हमें दे रखे थे कि जिसको हमें प्रूव करना था, तो तीनों पॉइंट यहाँ पे जो है वो प्रूव हो जाते हैं। और फिगर जो है आप लोग सही से प्रैक्टिस कर लेना, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें जो है वो बनानी पड़ेगी। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज जो है 8.2 और चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये सब जो है वो दोनों एक्सरसाइज जो है वो सही से समझ में आई होगी, हमारे मेथड जो है वो सही से समझ में आए होंगे। और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो के जो लेक्चर है, जो क्वेश्चन के मैथड हैं वो अच्छे लगे हों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहना।